इस शहर की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर आप ही अंदाजा लगाइए कि करोड़ों रुपए की जरूरत पार्कों को है या सरकारी स्कूलों को। हमारे विधायकों ने सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि पार्कों और सड़कों को बनाने में रुचि दिखाते रहे। भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रमोद विज कह चुके हैं कि सरकार से विकास के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है ये जिला अध्यक्ष भी जानते हैं और भाजपा के नेता भी, लेकिन कोई खुलकर बोलने को तैयार ही नहीं है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। ये वीडियो देखिए, गुरु नानकपुरा स्थित सरकारी स्कूल का है। स्कूल की बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग का लेंटर कई जगहों से नीचे गिर चुका है, सरिये भी दिखने शुरू हो चुके हैं। स्कूल में करीब 2000 बच्चे अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई करने आते हैं। स्कूल दो शिफ्ट में लगता है। जरा इन बच्चों की सुनिए, इनका कहना है कि क्लास में खिड़कियां तक नहीं है और जब बरसात आती है तो स्कूल में पानी जमा हो जाता है, जिस कारण स्कूल में छुट्टी तक की नौबत आ जाती है। मैं कच्चे कैंप में सरकारी स्कूल में 9वीं A की छात्रा हूँ और हमारे स्कूल में जो नीचे रूम है उसके लेंटर को लेके हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। पिछली बार लेंटर गिर चुका था और कई बच्चों को चोट लग चुकी थी और स्कूल के खर्चे से बच्चों का इलाज तो करवाया गया था, पर ये पूर्ण रूप से इलाज नहीं है। इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक इस छत को दोबारा से बनवाया ना जाए, और अगर ये लेंटर एक बार और गिर गया, अगर बारिश की वजह से गिर गया, तो फिर कई बच्चों को दोबारा से चोट लग सकती है। हमारे कमरे में खिड़कियां भी नहीं है जिसकी वजह से बारिश का पानी अंदर आता है और घुटनों तक पानी भर जाता है और कई कई दिनों तक हमारे स्कूल की छुट्टियां भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि हमारे स्कूल की जो हालत है, हमारे स्कूल में बैठने को बेंच भी नहीं है, तो कृपया करके इन सब चीज़ों का इंतजाम करवाएं। मैं राजकीय उच्च विद्यालय के नाल कैंप की छात्रा साइनर 10th क्लास में पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल में जब बारिश होती है तो कक्षाओं में पानी भर जाता है, जिसके कारण हम बैठ नहीं पाते क्योंकि हमारे स्कूल में बेंचेस बहुत कम है और जिससे मच्छर मक्खियाँ पैदा होती है जो हमें काटते हैं, हम बीमार पड़ जाते। कई बच्चे बीमार होने के कारण रेगुलर स्कूल में नहीं आ पाते जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती। ये बच्चा दिव्यांग है। बच्चे के माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सके, लेकिन स्कूल के हालात आपने देख ही लिए। जरा इस छात्र की भी सुनिए। क्या नाम है बेटा आपका? अंकित। कौन सी क्लास से हो? छठी बी में। आपको क्या दिक्कत है? जी मैं बैठ नहीं पाता, मेरा पैर कर दिया। अच्छा, तो यहाँ बेंच की सुविधा नहीं है? जी नहीं है। स्कूल की प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने कई बार उच्च अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ जी, मैंने यहाँ दिसंबर में ज्वाइन किया था, 11 दिसंबर को, और मैंने 23/11/2017 को बीओ साहब को इसका पूरा मैंने लिख दिया था कि बिल्डिंग कभी भी जर्जर हालत में कुछ भी नुकसान हो सकता है, और 2-3 बार मैं रिमाइंडर भी दे चुकी हूँ। अब आगे कार्रवाई तो सरकार की है, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बच्चों का कहना है कि मैं पहले से ही तुम्हारी लंटर के कुछ टुकड़े गिर चुके हैं, जिसके कारण दो चार बच्चों को चुटेले लगी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को चोट लगी है। मैंने भी वो लेंटर छुट्टी वाले टाइम नहीं थे, साइड में ऐसे ही कुछ जमा हुआ था, वो गिरा था तो बच्चे डर गए थे। फिर मैंने मिस्त्री को बुला के लेंटर की हालत को मैंने चेक कराया था, तो मैंने चाहा कि रिपेयर करा देती हूँ, लेकिन मिस्त्री जी ने बोला कि अभी मैडम इतना खतरे वाली बात नहीं है, तो इसलिए फिर क्योंकि रिपेयर का तो अगर अर्जेंट होता तो कराते, कि बिल्डिंग ही नहीं बने, हमने दे रखा है बार बार लिख के कहा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन को कि कोई कार्रवाई हो और ये बिल्डिंग हमारी नहीं बने ताकि बच्चे भी सेफ रहें। पूर्व पार्षद जोगिंदर स्वामी का कहना है कि सरकार के पास पार्कों के लिए तो पैसे हैं, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग के लिए कोई फंड नहीं है। स्वामी का कहना है कि विधायक का ध्यान सिर्फ पार्कों की तरफ है, जबकि स्कूल की बिल्डिंग अगर गिर जाती है तो बच्चों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? मेरा कहना ये है, अब जो पानीपत में करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं पार्कों के नाम के ऊपर, टेंडरों के नाम के ऊपर, उसको लेकर के आज
हमने विजिट की थी जनाबाज सोसाइटी के सदस्यों ने गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कैनाल कैंप में, उसमें मैंने बताया कि इसकी हालत इतनी जर्जर है कि यह स्कूल की कुछ कमरे ऐसे हैं जो कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ माननीय विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है। उनका केवल ध्यान एस्टिमेट बनाओ, पार्कों को बनाओ, जबकि छोटे छोटे गरीब मजदूरों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, लगभग 2000 बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर यहाँ कोई हादसा हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये नेता वोट मांगने के लिए उन गरीब बच्चों के पास आ जाते हैं। ये दो शिफ्ट में स्कूल चला हुआ है, दो शिफ्टों में, जब तक शाम की शिफ्ट में बच्चे अपने घर नहीं पहुंच लेता तब तक माँ बाप के अंदर कुला रहती है, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा है नहीं, कहाँ है मेरा बच्चा, वो इतने टेंशन के अंदर रहते हैं। उसमें इस नेताओं को ये चाहिए था कि यहाँ को और जगह लेते और स्कूल बनाए जाते, दो शिफ्टों की बजाय एक शिफ्ट हो और बच्चों को अच्छी शिक्षा, मॉडर्न स्कूल बनाओ। आप मॉडर्न पार्क बनाने के चक्कर में चल रहे हो, आप अपने आप को मॉडर्न बना रहे हो, पार्कों को मॉडर्न बना रहे हो। किसी भी पार्क में 10 से 20 लाख से ऊपर कहीं नहीं लग रहा है, लेकिन यह कहीं 1 करोड़ है, कहीं 1.25 करोड़ है, कहीं 30 लाख है, कहीं 20 लाख है। कच्चे कैंप के अंदर ही पार्क था, उसको तोड़ दिया, उसके बाद दोबारा फिर उसी पार्क में वही पैसा उसी पार्क में इन्वेस्ट हो रहा है। डबल डबल पैसा बर्बाद करने की औचित्य क्या है? यह केवल कमीशनखोरी का काम हो रहा है। मैं विधायक जी को कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी आपको वोट देते हैं, इनके साथ खिलवाड़ मत करो। ये जनता जागती है, जनता देखती है आप क्या हो रहा है। आज अपने आप को इस दिशा में लाओ कि गरीब बच्चों को उचित शिक्षा मिले। स्वास्थ्य केंद्रों का क्या हाल है, उसकी तरफ ध्यान दो आप। इलाके के निवर्तमान पार्षद ब्रिजभूषण का कहना है कि शिवालय मंदिर के सामने बने पार्क के हालात अच्छे थे, लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में पार्क को दोबारा बनाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि जितना पैसा पार्कों के सौंदर्यकरण पे खर्च किया जा रहा है, उसका 50% पैसा भी इन स्कूलों पर खर्च होता तो ये सरकारी बिल्डिंग प्राइवेट को भी फेल कर देती। 23,45,000 रुपए का टेंडर था चार पार्कों का, वीवर्स कॉलोनी, आदर्श नगर, भाटिया कॉलोनी और ये गुरु नानकपुरा। इसमें पहले एक कम्युनिटी हॉल बना हुआ था, उसको तोड़ के उसी की ईंटों से तो चार दीवारी बनाई है, ग्रिले बदली, मतलब वो 23,45,000 का काम था जो हो चुका है लगभग। और ये बीच में कब झोपड़ी सी बना के इस पे 30 लाख रुपए एक्सटेंड किए जा रहे हैं। अब इस झोपड़ी पे 2 लाख लगे, 3 लाख लगे, इससे ज़्यादा नहीं लग सकते। तो हमें सुनने में है कि इसका 30 लाख रुपए बजट बढ़ाया गया है, एक झोपड़ी बना देंगे, एक फुटपाथ बना देंगे, तो 30 लाख रुपए इसमें से खा जाएं। तो ऐसे ही सारी पार्कों का, हमारी नारायण सिंह पार्क का था 1 करोड़ रुपये का, उस पर 5 लाख का काम होना बाकी नहीं है, 5 लाख रुपये उस पर लगे हैं, तो बहुत बढ़िया पार्क है वो। उसकी खाली प्लस्तर झाड़ के दोबारा प्लस्तर होने वाला है, पेंट होना है, कुछ भी जरूरत नहीं है उस पर 1 करोड़ रुपए का वो बना के बैठे हैं एस्टिमेट। समझ नहीं आ रही है एमएलए क्या कर रहे हैं, इतना पैसा कहाँ ले जा रहे हैं। इस पार्क की स्थिति कैसी थी? इस पार्क की स्थिति ठीक थी, इसमें मतलब प्लांटेशन नहीं थी, इसमें थोड़ा सा घास और पेड़ वेड़ लग जाते तो जरूरत भी नहीं थी बनाना, ऐसे ही काम चल जाता। ये शिवालय मंदिर के सामने पार्क बनी हुई थी, इसके अंदर सारी ईंटें लगी हुई, हाउस बने हुए थे, यानी कि बिल्डिंग बनी हुई थी, उसको गिरा गई है, सारी ईंटें इसी के अंदर लगाई गई है और ये ग्रेले सारी बदल दी है, और इसके अंदर गए पैसा लगा कहाँ लगा ये बताओ, ये सारा पत्थर पुत्थर पाड़ के लगाया गया है, ये बताओ पत्थर ये वाला कहाँ गया और दूसरा कहाँ लगा है। जो हमारी सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए, जो चीज़ें कमज़ोर हैं, जो चीज़ कमज़ोर हैं उस पर पैसा लगाओ, जो चीज़ अच्छी है उनको गिरा कर उसका पैसे का कौन जिम्मेवार है जो इतना पैसा खर्च करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए भाई जहाँ कमज़ोर है चीज़ है वहीं बनाना चाहिए। सर इसमें बहुत जर्जर हालत है बिल्डिंगों की, जिस पे इसके विकास कार्य होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में जो उर्ली तरफ बिल्डिंग पड़ी है काफ़ी टाइम से गिरी हुई है, उसका कोई नहीं, बिल्डिंगें डाउन है। और हमारे यहाँ देखा कि हमने आज न्यूज़ चैनल पर और अखबारों में आ रहा है कि ये जो पार्कों में 1-1 करोड़ रुपया, 2-2 करोड़ रुपया वेस्ट करा जा रहा है, जबकि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे यहाँ कैनाल कैंप में जो शिवाला मंदिर के सामने पार्क है उसमें कुछ दिन पहले एक बिल्डिंग गिराई गई जिसके अंदर लेंटर को छोड़कर चार दीवारी खड़ी की गई थी, उसमें सीनियर सिटीजन के लिए बनाया जाना था, लेकिन उसको ना देखते उसको गिरा कर अब फिर उसमें दोबारा नव निर्माण किया जा रहा है, जबकि उसके अंदर इतनी बड़ी झोपड़ी बना दी गई, उसका क्या फायदा। बड़ा सवाल ये है कि इलाके की विधायक की नज़र इस स्कूल पर क्यों नहीं आती? पार्कों का शिलान्यास करने की बजाय हमारे नेता अगर थोड़ा सा बजट इन स्कूलों के लिए मुख्यमंत्री से पास करवा लेते तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों जैसे हालात हमारे स्कूलों के भी होते। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हैप्पी बुद्धि राजा की रिपोर्ट।